दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट आई है, आज ही सुबह आई है कि कश्मीर गवर्नमेंट ने, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने वीकेंड लॉकडाउन स्टार्ट कर दिया। आज ही से केसेस बढ़ गए थे हाल फिलहाल में, इसके वजह से जो आपके सामने ये नोटिस दिख रही है आज ही सुबह आई है, कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन ऑन नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स ड्यूरिंग वीकेंड्स इन द एंटायर यूनियन टेरिटरी। तो जिन स्टेट्स में केसेस ज़्यादा आ रहे दोस्तों, वहाँ पे वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, कंप्लीट लॉकडाउन रह रहा है सैटरडे संडे को। तो कुछ ऐसा ही सीन हमें जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल गया है दोस्तों। वैसे आज तो जितने भी विजिटर्स लैंड किए हैं श्रीनगर में, हमारे व्यूअर्स भी कुछ हैं जिन्होंने आज लैंड किया श्रीनगर में, उन्हें तो अलाउ किया जा रहा है, बट आगे का क्या सीन होगा वो आपको जल्दी अपडेट करेंगे दोस्तों। तो जिनके आइटिनरी में सैटरडे संडेज इंक्लूडेड थे उनके लिए एक बुरी खबर है, और जो लोग आगे अभी प्लान कर रहे हैं तो सैटरडे संडेज को आप दूर ही रखें अपने प्लान से तो बेटर रहेगा। बाकी कंप्लीट लॉकडाउन का सीन तो अभी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा यही लग रहा है कि सैटरडे संडे ये पूरी तरह बंद रखेंगे कश्मीर को। तो हम कह सकते हैं कि टूरिस्ट की भीड़ को कम करने के लिए ये स्टेप्स उठाए गए हैं। पहले तो नाइट कर्फ्यू ही था, बट उसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था टूरिज्म पे, क्योंकि रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू थी दोस्तों। इतनी स्नोफॉल सीजन में वैसे भी 7 बजे के बाद कोई बाहर निकलता नहीं, और सुबह 9 बजे से दिन स्टार्ट होती है, तो अब नाइट कर्फ्यू तो हर दिन है ही दोस्तों, उसके साथ वीकेंड लॉकडाउन भी रहेगा। तो आगे आप कश्मीर अगर आना चाह रहे हैं तो आप इस अकॉर्डिंग ही अपने ट्रिप प्लान करें दोस्तों। इसके अलावा एक और ज़रूरी अपडेट है कि 19 तारीख के फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं। अभी तुरंत ही एक व्यूअर ने हमें इंस्टा पे बताया कि उनकी फ़्लाइट थी 19 जैन को, जो कैंसिल कर दी गई है। तो मैंने पिछले ही वीडियो में आपको अपडेट किया था कि 19 को हैवी स्नोफॉल प्रेडिक्ट किया गया दोस्तों, मे बी इसलिए उनकी फ़्लाइट आज ही कैंसिल कर दी गई। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कभी भी हैवी स्नोफॉल के दिन फ़्लाइट बुकिंग ना करें दोस्तों, हमेशा 2 दिन आगे पीछे का लेकर चले। अगर आप रोड से भी आते हैं तो रोड से भी काफ़ी आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि फ़्लाइट्स तो नॉर्मल रहे हैं बट लैंडस्लाइड्स के वजह से रोड्स हाईवेज जो हैं ब्लॉक कर दिए गए, और 8-10 घंटे जो है ट्रैवलर्स फंसे रह गए दोस्तों। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 11 जनवरी की वीडियो है आपके सामने, जो श्रीनगर जम्मू हाईवे है वो पूरी तरह ब्लॉक हो गई थी, मैसिव लैंडस्लाइड हुआ था इस दिन। मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी अपडेट किया था, इस दिन फ़्लाइट्स तो कैंसिल नहीं हुई थी दोस्तों, बट जो हाईवे था श्रीनगर जम्मू हाईवे, ये पूरी तरह क्लोज हो गया था इस लैंडस्लाइड के वजह से। तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा मोड अच्छा रहेगा, फ़्लाइट या रोड। बाकी दोस्तों वीकेंड लॉकडाउन के समय टूरिस्ट को क्या कोई रिलैक्सेशन दी जा रही है, इसके बारे में जैसे ही अपडेट आती है मैं आपको ज़रूर से अपडेट करूंगा दोस्तों। तो इन सब बातों के बावजूद जो लोग प्लान कर रहे हैं आगे के लिए, तो मैंने जो गाइड वीडियोस बनाए हैं स्नो एक्टिविटीज़ पे, शिखारा राइड पे, पोनी राइड पे, कैब रेट्स पे, होटल रेट्स पे, उसको ज़रूर देखें। हमारे बहुत से व्यूअर्स, मानना पड़ेगा उनको, समर्स की अभी से बुकिंग करा रहे हैं 5 अप्रैल की, तो आप भी अगर आना चाह रहे हैं तो ये सारे वीडियो ज़रूर देखें, काफ़ी अच्छी गाइडेंस आपको मिल जाएगी और आप वहाँ पे चीट नहीं होंगे दोस्तों। इसके साथ ही अगर आपको कंबाइंड होटल कैब्स वगैरह सब कंबाइंड पैकेजेस चाहिए तो आप हमारे ट्रैवल माई कश्मीर रुफैत भाई को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिप्यूटेड एजेंसीज इन कश्मीर, लोकल एजेंसी है, तो आपको बजट में ही ये सारे कैब्स होटल लेस देन ऑनलाइन रेट्स में मिल जाते हैं दोस्तों। और जो लोग हाउस बोट में रुकना चाहते हैं, हाउस बोट का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये तो आपको कश्मीर में ही मिलती है, श्रीनगर में और कहीं इंडिया में इस तरह के एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलती, तो आप गुना हाउस बोट में स्टे कर सकते हैं, जहां हमने स्टे किया था, हमारा 2020 नवंबर मिड में वहां स्टे था दोस्तों। खास बात यह है कि काफ़ी बजट रेट्स में आपको अच्छी हीटिंग फैसिलिटी के साथ यहाँ पे एकोमोडेशन मिल जाती है। बहुत से लोग हमारे बजट हाउस बोट्स के बारे में पूछ रहे थे, तो यहाँ आपको 3.5 से 4 के बीच में ब्रेकफास्ट डिनर के साथ वन नाइट स्टे मिल जाएगा दोस्तों। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।